कहते हैं जो भी बागेश्वर धाम जाता है उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है, लेकिन इन माँ बाप का क्या जिनका बेटा ही बागेश्वर धाम से लापता हो गया। इनके बेटे का बिछड़ना इन दोनों के लिए किसी पहाड़ गिरने से कम नहीं है। बेटे की माँ बिलक बिलक कर रोते हुए बता रही है कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ अर्जी लगाने आई थी, लेकिन वो अचानक हो गया। बेटे के गुम हो जाने की शिकायत सभी जगह की, लेकिन उनका बेटा उन्हें नहीं मिला। यही पर बागेश्वर धाम आए थे बच्चा के लेकर अर्जी लगाने के लिए, फिर मंदिर में से यहाँ बागेश्वर धाम में से वही से खो गया, मेरा बच्चा ना मिल रहा है। कितने दिन हो गया? दो तीन दिन हो गया। आपने बताया नहीं यहाँ किसी को? सबको बताया, सब दरबार में घूम लिए, सब जगह घूम लिए, दरबार में फोटो भी देख रखे हैं, फोटो देखे राम मंदिर में, कितनी फोटो देखे हैं, सब जगह देखे हैं। बागेश्वर धाम में लोगों के लापता होने की बात कोई नई कहानी नहीं है। इससे पहले भी दर्शन करने आए लोग यहां से लापता हुए हैं, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।